के बताया। ये सन 2017 का रामलीला का कार्यक्रम है। गणेश पूजन जो है 5 सितंबर का है, उसी दिन जो है सो सवारी मुकुट पूजन होगा बारादरी में और वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। फिर 6 तारीख को कालीवाड़ी से जो मुकुट आता है ना, हमारे जो बंधु हैं माहौर बंधु हैं कोली समाज के, वो प्राणान की परंपरा है, वो मुकुट लेके आते हैं तो वो लेके आएंगे और वो मुकुट फिर भगवान शिव जी को चढ़ाया जाएगा। ये यहीं से सब कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और फिर 8 तारीख को गणेश जी की सवारी विधिवत रामलीला में निकलेगी। रामलीला में चार शहर का भ्रमण करेगी। पूरा डिटेल जो है उसकी इस पत्रिका में भी है और किताब में भी है। गणेश जी की सवारी निकलने के बाद फिर रावण की दुहाई जो है उसको मारेगी और फिर रामलीला मैदान में शुरू हो जाएगी लीला 10 तारीख से। वो आकाशवाणी की लीला से शुरू होगी रामलीला मैदान में और राम जन्म जो है वो 11 तारीख का है। रामराम बता रहे हैं वही बता रहे हैं। सीता जन्म जो है 12 तारीख का है और अयोध्या अवतार जो है 13 तारीख का है। पाँच सितंबर को गणेश पूजन से मुकुट पूजन से रामलीला का शुभारंभ होगा और उसके बाद राम की बारात भव्य से निकलेगी। सभी लोग शहर के गणमान्य लोग उसमें उपस्थित रहेंगे और ये मुकुट पूजन 6 तारीख को है, जो महार समाज के लोग राजसी सिनेमा से प्रारंभ करते हैं और वही भगवान राम उसको धारण करते हैं। इस तरह से इस बार जनकपुरी हम सभी ने रामलीला कमेटी ने पदाधिकारियों ने मिलकर अवैध विकास कॉलोनी को दी है। वहाँ पर 17 तारीख को हमारी राम बारात पहुँच जाएगी सुबह और 17 को वहाँ रहेगी, बढ़ार भी होगी और 18 तारीख को वहाँ से विदा होगी। देखिए आपको सभी को मालूम है आजकल टीवी का समय आ गया है, लोग घरों से निकलना कम पसंद करते, टीवी पे ज़्यादा देखते और टीवी की व्यवस्था सब जगह हो गई है। रामलीला का भी मंचन टीवी पे दिखाया जाता है और ये दशहरे की बारात, दशहरा रामलीला का दहन, राम बारात, जनकपुरी महोत्सव सब टीवी पे दिखाए जाते हैं, इसलिए भीड़ की संख्या पहले से कम होने लगी। प्रयास क्या, वो टीवी का ज़माना है तो सब लोग शॉर्टकट चल रहे हैं। मथुरा वृंदावन से आ रही है। इस बार शहरवासियों से यही है कि भव्य रामलीला राम बारात जब निकले तो अपने अपने घरों पर बिजलियां सजावट करें और राम जी का जब प्रवेश हो तो सभी लोग शहर के अंदर निकलें। अरे मुकेश, रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का राम जन्म 11 सितंबर का मनाया जाएगा और इस तारीख को इस दिन रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है और दशरथ जी के परिवार के लोग सब आएंगे और वो सब इसको बड़े उल्लास के साथ इसको मनाएंगे और कमेटी की तरफ से भोग प्रसाद भी वितरित किया जाएगा और बाकायदे भगवान के झूले डलेंगे, भगवान पैदा होंगे, सब चीज़ दिखाई जाएगी। और सीता जन्म उसके दूसरे दिन है 12 तारीख को। 12 तारीख को भी सीता जी के जो है परिवार के जनक परिवार के सब लोग आएंगे, जनक जी परिवार के, और उसमें भी पूरा सीता जी का हल जोतते हुए पैदा होना और सीता जी की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत लोग आएंगे जो कि देखने में आपको आकर्षक लगेगा।